तो सबसे पहले जो आपको नाम लिखा था आपने, दैट इज एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट, ठीक है। तो एबीसी मॉडल क्या है? तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मली बात करें, दैट इज फ्लावर की डेवलपमेंट की, तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हमने डायरेक्टली जो है, दैट इज लाइक अगर आप कोई सीड जो है जमीन में डालते हो, तो वहां से एक छोटा सा पहले पौधा आता है, राइट, एक बेबी प्लांट आता है, उस बेबी प्लांट का फिर एक जुवेनाइल फेज आता है जिसमें कि वो वेजिटेटिव फेज में एंटर करता है, वेजिटेटिव फेज से फिर जाकर वो फ्लावरिंग फेज में एंटर करता है, ठीक है। यानी पहले वेजिटेटिव फेज आएगा, यानी पहले वो यंग होगा, उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेगा। तो ये जो फेज होता है कि पहले बेबी प्लांट वाला फेज, फिर जुवेनाइल वाला फेज, उसके बाद जो है दैट इज फ्लावरिंग फेज, इसी को हम बोलते हैं फ्लोरल डेवलपमेंट। लेकिन ये जो फ्लोरल डेवलपमेंट है, ये नहीं कि बस यूं ही हो गया, हर एक चीज के पीछे कुछ जीन्स अपना रोल प्ले करते हैं। उन्हीं में से यहाँ पे दो कैटेगरी ऑफ जीन्स है आपके सामने, एक का नाम है दैट इज द फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, एंड सेकेंड का नाम है दैट इज द फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। दोनों का अपना अपना बेसिस पे रोल है। पहले देख लेते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन का मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर कहें तो फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन का काम क्या है कि कोई भी प्लांट जो अपने वेजिटेटिव फेज में है उसको कन्वर्ट कर देना, दैट इज द रिप्रोडक्टिव फेज में, ऑब्लिक फ्लावरिंग फेज में। यानी एक प्लांट को उसके वेजिटेटिव फेज से फ्लावरिंग फेज में, यानी ऐसे फेज में पहुंचा देना जहां पे वो फ्लावरिंग करना शुरू कर दे, उसे ही हम कहते हैं दैट इज रोल ऑफ फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। और ये जो कन्वर्जन है, दैट इज वेजिटेटिव से फ्लावरिंग फेज में एंटर करवाने का काम जो ग्रुप ऑफ जीन्स करते हैं, उन जीन्स को हम कहते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। और अगर सिंपल भाषा में कहें तो दे कन्वर्ट द शूट पार्ट इंटू द फ्लावर पार्ट, ठीक है। यानी ओवरऑल जो लाइक प्लांट में आपको पोर्शन दिखता है, दैट इज ओनली अ वेजिटेटिव पार्ट, उसके लिए कहा गया है शूट पार्ट, और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्लावरिंग फेज में। अब अगर हम बात करें जीन्स की, तो यहाँ पे तीन मेजर तरीके के जीन्स हैं, जैसे कि हो गया लीफी, एपिडाला वन एंड कॉलीफ्लावर, ठीक है। तो ये तो हो गए इनके लॉन्ग फॉर्म में इनके नाम क्या क्या है, ऑल दो हम इसको शॉर्टकट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, चाहे आप वो आपके एग्जामिनर्स हों, चाहे हम खुद भी हों, लाइक इतने लंबे नाम को हम जनरल बेसिस पे यूज नहीं करते, शॉर्टकट में हम यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो LFY यूज करते हैं हम लीफी के लिए, एपिटाला वन के लिए AP1, कॉलीफ्लावर के लिए कैलवर्ड यूज करते हैं। तो ये तो हो गई आपके फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन की कहानी। अब आते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन के बारे में। तो सीधी सी बात है, वेरी ऑब्वियस, अगर एक वेजिटेटिव पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, अगर ये प्लांट वेजिटेटिव फेज में था, ठीक है, अब वो एंटर कर चुका है फ्लावरिंग फेज में, ओके। अब फ्लावरिंग फेज में भी तो फ्लावर के पास अपना अपना ऑर्गन होता है, जैसे कि हो गया दैट इज सेपल का फॉर्म होना, पेटल्स का फॉर्म होना, स्टेमन का फॉर्म होना। तो ये सब, ये जो अलग अलग ऑर्गन है, ये कौन बनाएगा? इसके पीछे भी तो कुछ जीन इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो जो जीन्स ये सारे के सारे ऑर्गन को बनाने का काम करती हैं, इसको आइडेंटिटी देने का काम करती हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। फ्लोरल मीन्स फ्लावर का, फ्लावर की ऑर्गन को जो आइडेंटिटी देती हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। इनके कुछ नाम यहाँ मेंशन है, सारे के सारे नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला है दैट इज एपिटाला वन, AP1। आप देख सकते हैं AP1 जो है दैट इज फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन भी कहलाता है, और इसका रोल हमें फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन थोड़ा ओवरलैपिंग है। नेक्स्ट आता है एपिटाला टू, दैट इज AP2, ठीक है। थर्ड इज एपिटाला थ्री, AP3। फोर्थ इज पिस्टिलाटा, दैट इज PI। एंड द लास्ट इज एगमस, दैट इज AG। ये पांच जीन जो है ये मिलकर कहलाती है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। और ये फ्लावर में कौन सा ऑर्गन बनेगा, इट मे बी सेपल, इट मे बी पेटल, इट मे बी कार्पल, स्टेमन, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करती है? ये पांच जीन, एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज अ फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। आई होप ये दोनों कैटेगरी ऑफ जीन का जो एक बेसिक फंडा है वो आपको अब समझ में आ गया हो। अब हम थोड़ा सा और बेसिक के बारे में बात करते हैं, इसके बाद डायरेक्टली वी विल स्विच टू द एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग, ठीक है, ओके। सबसे पहले फ्लावर की एनाटॉमी समझना बहुत जरूरी होता है, अगर आप एबीसी मॉडल को एकदम बहुत ही इजीएस्ट लेवल पे समझना चाहते हो तो। तो देखिए, ये अगर आप फ्लावर देखते हैं तो सबसे पहला लेयर इस फ्लावर में देखेंगे आप, तो सबसे पहला लेयर ये है, राइट, दिस इज द फर्स्ट लेयर इन केस ऑफ अ फ्लावर। ये ग्रीन पोर्शन होता है प्लांट में,
और इसी को हम नाम क्या देते हैं, इसी को हम कहते हैं दैट इज सेपल, ठीक है, इट इज अ सेपल एंड दिस इज अ आउटर मोस्ट लेयर एंड द फर्स्ट लेयर, तो हम कहते हैं इसको फर्स्ट रूल बॉटनी के टर्म में लेयर को, या फिर लाइक ओवरऑल जो एक पहला पैटर्न यहाँ देख रहे हो आप, इसको हम रूल्स कहते हैं. तो फर्स्ट रूल कौन है, दैट इज सेपल है. सेपल का शॉर्टकट हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज एस ई. इसके बाद कौन सी लेयर आपको दिख रही है, इसके बाद ये वाली कलरफुल वाली जो लेयर है वो आपको सेकेंड टाइम में दिख रही है, मतलब सेकेंड लेयर में दिख रही है. फर्स्ट अगर आप इसको मानते हो देन सेकेंड जो है दैट इज आपको कलरफुल पार्ट दिख रहा है. ये जो कलरफुल पार्ट है इसे हम कहते हैं पेटल, शॉर्टकट में पेटल पीई लिखेंगे एंड दिस विल बी द सेकेंड रोल. इसके बाद जब आप अंदर की तरफ जाते हो दिस पोर्शन दिस वन, तो आपको मिलता है दैट इज स्टेमन. दिस इज अ थर्ड पोर्शन और थर्ड लेयर. स्टेमन क्या होता है, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये थर्ड रोल में प्रेजेंट है और इसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको स्टेमन में भी दैट इज एंथर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे फिलामेंट देखने को मिल जाता है एंड द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज अ कार्पल, जिसे हम शॉर्टकट में सी ए बोलते हैं और ये फीमेल पार्ट होता है एंड दिस विल बी द इनर मोस्ट लेयर और द इनर मोस्ट रोल या फिर फोर्थ रोल कह सकते हैं आप. तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने टोटल चार रोल्स देख लिए फ्लावर में, ठीक है. जब बहुत सारे सेपल को हम एक साथ कलेक्ट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कैलेक्स एंड बहुत सारे पेटल्स को जब हम एक साथ उनका कलेक्शन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोरोला, ठीक है. तो आप कह सकते हो सेपल एंड पेटल आर द सिंगल यूनिट, और अगर कलेक्शन में ग्रुप ऑफ सेपल्स की बात करेंगे तो वो कैलेक्स कहलाएगा, ग्रुप ऑफ पेटल्स की बात करेंगे तो दैट विल बी नोन एज अ कोरोला. इस ढंग से हमने चार लेयर देख लिया. तो पहला लेयर कौन सा देखा, फर्स्ट लेयर देखा कि इसमें सेपल प्रेजेंट रहता है, सेकेंड रोल में देखा कि पेटल्स रहता है, थर्ड में स्टेमन रहता है एंड द फोर्थ और द इनर मोस्ट लेयर में दैट इज प्रेजेंट रहता है कार्पल. अब इनका जिस तरीके से आपने यहाँ पे डिवीजन किया है वो डिवीजन याद रखना बहुत जरूरी है. याद रखने का तरीका क्या है, आई थिंक अभी ही याद हो जाएगा. 1 2 3 4 यहाँ से लिख सकते हैं आप, दैट इज 1 2 3 4, ये पहला रोल होगा सेपल, देन होगा पेटल, देन होगा स्टेमन, देन होगा कार्पल. इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है. तो ये हो गई ओवरऑल बातें और मेक श्योर आपको रोल्स याद रहना जरूरी है, कौन से रोल में कौन सा पार्ट पाया जाता है बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आप आगे की चीजें सीखते हो. अब आते हैं एबीसी मॉडल के ऊपर, ठीक है. तो एबीसी मॉडल में हमने देखा था कि फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, ओके, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन में टोटल हमने 5 जीन देखे थे. कौन कौन से थे, AP1 था, 2, 3, PI एंड एगमस. इन्हीं को जो है ए क्लास, बी क्लास एंड सी क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है. जैसे कि स्कूल टाइम में, जैसे अगर बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप ओवरऑल स्टूडेंट्स को देखते हो तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि साइंस कैटेगरी लेते हैं 11th 12th में, लेकिन एज बिकॉज उनको एक जगह पर होल्ड करना मुश्किल हो जाता है तो हम उनको डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 12th Science A 12th Science B, सेक्शन वाइज डिवाइड कर देते थे. वैसे ही इन सभी जीन्स को भी डिवाइड किया गया है. तो एक क्लास में आने वाले जीन्स का नाम क्या क्या है, AP1 एंड AP2. बी क्लास में आने वाले जीन्स का नाम है AP3 एंड PI एंड सी क्लास में आने वाले जीन्स का नाम है दैट इज एगमस. इसी के बेसिस पे इसका नाम हो गया है दैट इज एबीसी मॉडल. और ये एबीसी मॉडल इसलिए है क्योंकि एबीसी क्लास ऑफ जीन फ्लावर कैसे डेवलप होता है ये बताएगी. फ्लावर में कौन कौन से ऑर्गन कब कब कितने कॉम्बिनेशन से फॉर्म होंगे ये सारी बातें बताएंगे, ठीक है. तो इस ढंग से हमने देखा कि क्लास ए बी एंड सी में जीन्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं और काम कैसे करते हैं, ठीक है. तो अभी कुछ और फंडे आते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं. तो जरा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग डेवलपमेंट है क्या. तो एक्चुअल में एबीसी मॉडल क्या करता है, ये प्रोसेस बताता है फ्लावर की डेवलपमेंट की, कि एक फ्लावर कैसे डेवलप होगा. ये इस चीज को एक्सप्लेन करता है दैट इज द जेनेटिक्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ अ फोर रोल्स ऑफ फ्लावर दैट इज सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल. कि सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल कैसे ग्रो होते हैं इसके बारे में बताता है, ठीक है. दिस मॉडल वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन द अरबिडोप्सिस थालियाना. और जितना भी पोर्शन हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो सारा का सारा पोर्शन हम Arabidopsis thaliana को ही कंसिडर करके चलेंगे. इसी में एक जीन आता है जिसे हम बोलते हैं मैथ्स वॉक जीन. अभी आपने जितने भी जीन पढ़े ना सारे के सारे जीन मैथ्स वॉक जीन के मैथ्स वॉक जीन का पार्ट माने जाते हैं एक्सेप्ट AP2.
ठीक है, AP2 इट इज नॉट अ मैट बॉक्स जीन, नॉट अ मैट्स बॉक्स जीन, AP2 मैट्स बॉक्स जीन नहीं माना जाता है। इसके अलावा जो बाकी जीन्स आपने अभी देखा था, दैट इज AP1, AP3, PI, AGAMOUS, ये सब के सब दैट इज मैट्स बॉक्स जीन का ही पार्ट माने जाते हैं। अब ये मैट्स बॉक्स जीन है क्या? एक्चुअल में एक जीन की फैमिली है। इस फैमिली में जितने जीन आएंगे उनके पास एक कंजर्व सीक्वेंस मोटिव होता है, ठीक है। जैसे कि 12th साइंस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास एक कॉमन एंड कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स ऑप्शन में रखते हैं बच्चे जिनको पीसीबी लेना है या पीसीएम लेना है, लेकिन पीसी जो होता है वो कॉमन रहता है, दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो लेना ही लेना है। दैट इज हाउ, मतलब कि वो एक आइडेंटिफिकेशन माना जाता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको लेना ही लेना है। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है कि मैथ्स बॉक्स फैमिली में आने वाले सारे जीन के पास ही कुछ कंजर्व सीक्वेंस होते हैं, और वो सीक्वेंस सभी दैट इज जीन्स में कॉमन देखे जाएंगे, और वो सारे के सारे जीन्स मैट्स बॉक्स जीन से ही बिलोंग करेंगे, यानी इस फैमिली से बिलोंग करेंगे। एक बड़ी सी फैमिली है जो कि मेनली डेवलपमेंटल प्रोसेस को कंट्रोल करती है, डेवलपमेंटल पैटर्न को कंट्रोल करती है। जैसे कि आपने ड्रोसोफिला में सुना होगा होम्योटिक जीन, जो कि फाइनल बॉडी को आइडेंटिटी देता है, वो होम्योटिक जीन भी मैट्स बॉक्स फैमिली से ही बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये तो हो गई कहानी। अब आती है बात कि इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जब मैट्स बॉक्स जीन की डिस्कवरी हुई तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिस्कवर हुआ, और उसी ऑर्गेनिज्म के जीन का पहले लेटर से इस पर्टिकुलर जीन फैमिली को नाम दिया गया। जैसे कि एक MCM1 नाम का एक जीन देखा गया, दैट इज सेक्रोमाइसिस सेरेविसी में, जो जीन बिल्कुल होम्योटिक जीन जैसे काम कर रहा था, यानी पैटर्निंग को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। तो MCM से ये M वर्ड ले लिया गया, फाइन। इसके बाद देखिए दैट इज द एगमस, एगमस जीन देखा गया था अरबिडोप्सिस थालियाना में, और इससे जो वर्ड है दैट इज ए ले लिया गया। नेक्स्ट दैट इज आर्टिडिनियम मोंजिस में देखा गया, दैट इज द डेफिशन नाम का जीन, और इससे ले लिया गया डी। एंड SRF जीन देखा गया होमोसैपियन में, जिससे ले लिया गया एस। तो ये हो गया MADS, मैट्स बॉक्स जीन। स्टार्टिंग में ये जो जीन डिस्कवर हुए इन सबके पास कॉमन सीक्वेंस मोटिव था, कंजर्व था जो कि, और एक जैसा ही था, तो दैट इज वाई इनको कह दिया गया दैट इज मैट्स बॉक्स जीन। तो इसी के नाम से जो है एक पूरी जीन फैमिली डिस्कवर हुई, और ये कहा गया कि जितने जीन्स आएंगे जिनके पास सिमिलर टाइप के कंजर्व सीक्वेंस मोटिव होंगे, उन सभी जीन को हम मैट्स बॉक्स जीन फैमिली में ही ऐड कर देंगे। तो ये छोटी सी कहानी थी आपकी मैट्स बॉक्स जीन के नाम से, क्योंकि जितने भी अभी आपने ABC मॉडल में जीन देखे, दैट इज AP1, 3, पिस्टिलाटा एंड एगमस, सारे के सारे जीन मैट्स बॉक्स जीन से ही फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, एक्सेप्ट AP2। AP2 मैट्स बॉक्स फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। अगर जनरल बेसिस पे देखा जाए कि इसका काम क्या है, तो ये मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है, रूट फ्लावर एंड फ्रूट के डेवलपमेंट में ये हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, जहां से गेट आपके लिए क्वेश्चन बनाता है, गेट हो चाहे CSINT हो, दोनों ही यहां से आपके क्वेश्चन बनाते हैं, राइट। तो देखते हैं ABC मॉडल में क्या क्या चीजें होती हैं। कुछ मेन मेन बातें हैं जिस पे कि आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। सो पहला यहाँ पे कंसेप्ट आपके लिए ये है कि हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि एक क्लास जीन में, ठीक है, एक क्लास में कौन कौन से जीन आते हैं, दैट इज द AP1 आता है, ठीक है, एंड AP2 आता है, राइट। सेकेंड दैट इज बी क्लास जीन में कौन कौन चले आते हैं, बी क्लास में चले आते हैं दैट इज योर AP3 एंड PI पिस्टिलाटा, राइट। एंड थ्री दैट इज दी सी क्लास जीन में कौन कौन चले आते हैं, सी क्लास जीन में चले आता है सिर्फ एक ही जीन, दैट इज AGAMOUS। ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। ये तो था कौन सा, दैट इज Case 1, ठीक है, दिस इज अ Case 1। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई जीन की बात, अब आता है पहला फंडा, ठीक है, पहला फंडा आता है, याद रखना है बहुत अच्छे से, यहीं से बनते हैं आपके क्वेश्चन। पहला फंडा ये आता है कि ए क्लास जीन एंड सी क्लास जीन बोथ आर म्यूचुअली एंटागोनिस्ट, ठीक है, दे आर एंटागोनिस्ट,
यानी क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, ठीक है। यानी ए अगर प्रेजेंट रहेगा तो उस एरिया में वो सी को इनहिबिट करेगा, और अगर सी प्रेजेंट है तो उस एरिया में वो ए को इनहिबिट करेगा। ये तो हो गई पहली बात, ठीक है। यहीं से केसेस बनते हैं कि जिस एरिया में ए नहीं है, नो ए, यानी ए क्लास जीन जिस एरिया में नहीं रहेगा, वहां पे कौन एक्सप्रेस कर जाएगा, सी एक्सप्रेस कर जाएगा। जिस एरिया में ए नहीं है वहां पे आकर सी एक्सप्रेस कर जाएगा, और इसी का उल्टा भी होता है, दैट इज जिस एरिया में सी नहीं है वहां पे कौन एक्सप्रेस कर जाएगा, वहां एक्सप्रेस कर जाएगा ए, ठीक है। ये था फंडा पहला वाला। नेक्स्ट आता है दैट इज फंडा नंबर टू, ठीक है। फंडा नंबर टू क्या है, फंडा नंबर टू ये है कि ए और बी की पटती नहीं है, और दूसरी बात ये कि जो बी क्लास जीन है, ठीक है, बी क्लास जीन ये अकेले एक्सप्रेस करता नहीं है, इसको हमेशा ही एसोसिएशन में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ये कभी अकेला एक्सप्रेस नहीं करेगा, एसोसिएशन में ही एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये या तो बी एंड सी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है, या तो ये दैट इज ए एंड बी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है। ये दो केसेस बन सकते हैं, इसके अलावा ये किसी और फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेगा। आप चाहो कि ये अकेला एक्सप्रेस कर जाए तो ये एक्सप्रेस नहीं करता है। इसका रोल ही ऐसा देखा गया कि अकेले इसकी आइडेंटिटी, लाइक अकेले ही अपना एक्शन नहीं शो कर पाता है, ये एसोसिएशन में ही करता है, या तो ए के साथ या तो सी के साथ। अब बात आती है कि एसोसिएशन में भी करता है तो क्या कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है अगेन दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्या, देखिए पहला कंसेप्ट यहाँ पे ये आता है कि अगर पहले जो है दैट इज हम रोल्स की बात करते हैं, राइट। हमने हमारे पास कितने रोल्स हैं, हमारे पास रोल्स हैं दैट इज टोटल फोर रोल्स। ये रहा फर्स्ट रोल, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड रोल एंड ये रहा फोर्थ रोल। आपको पता है कि फर्स्ट रोल में क्या बनता है, फर्स्ट रोल में बनता है दैट इज सेपल, सेकेंड रोल में पेटल्स, थर्ड रोल में स्टेमन, फोर्थ रोल में कार्पल। अब बात आती है कि इनमें से ऐसा कौन सा जीन होता है जो ये बना रहा होता है। तो सेपल के लिए कौन सा जीन अकेले काम करता है, दैट इज क्लास ए जीन। क्लास ए में भी कौन, क्लास ए में भी दैट इज AP1 एंड AP2 दोनों मिलके काम करते हैं, तब सेपल बनता है। पेटल्स बनाने में कौन हेल्प करता है, ए तो हेल्प करता ही है, लेकिन साथ साथ में बी भी हेल्प करता है। लेकिन हमको तो पता है ए और बी में तो बहुत सारे जीन्स हैं, तो क्या होगा, तो सारे के सारे जीन्स ही यहाँ काम करते हैं, दैट इज AP1 काम करता है, AP2 काम करता है, देन ओके देन AP3 काम करता है एंड पिस्टिलाटा, ठीक है। ये सारे के सारे जीन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये काम कैसे करते हैं। इनका जब कोलैबोरेशन बैठता है तभी जाकर ये प्रॉपरली काम कर पाते हैं। स्टेमन में बात करते हैं, स्टेमन में कौन काम करता है, स्टेमन में काम करता है दैट इज बी प्लस सी जीन, तभी स्टेमन बनता है। अकेला सी एक्सप्रेस कर गया या बी एक्सप्रेस कर गया तो यहाँ पे स्टेमन नहीं बनेगा। तो इसमें कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होंगे, बी क्लास के इन्वॉल्व होंगे कौन कौन, दैट इज AP3 प्लस PI, और सी क्लास में कौन है, सी क्लास में तो एक ही है दैट इज एगमस है, तो यहाँ पे अकेला एगमस एक्सप्रेस होगा, ठीक है। एंड लास्ट दैट इज कार्पल, यहाँ पे अकेला सी क्लास जीन काम करता है मेनली एगमस, फाइन। तो ये कौन सा प्लांट है, ये है आपका वाइल्ड टाइप प्लांट, राइट। दिस इज अ वाइल्ड टाइप प्लांट, यानी वाइल्ड टाइप अगर आपके पास Arabidopsis thaliana है तो वहां पे जो भी डेवलपमेंट देखा जाएगा इन्हीं सारे जीन के एक्सप्रेशन की वजह से देखा जाएगा। अगर आप सेपल बनता हुआ देख रहे हो दैट मीन्स वहां पे ए क्लास जीन अकेले काम कर रहा है, अगर पेटल्स बनता हुआ देख रहे हो दैट मीन्स वहां पे ए एंड बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, स्टेमन अगर बन रहा है तो बी एंड सी काम कर रहे हैं, एंड कार्पल अगर बन रहा है तो सी काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने बातें कही थी आपको मैट्स बॉक्स जीन के बारे में, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया है कि ऑल दीज जीन्स विद द एक्सेप्शन ऑफ AP2 एंड इट्स होमोलॉग आर मैट्स बॉक्स जीन। सारे के सारे जीन मैट्स बॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट द AP2। AP2 मैट्स बॉक्स फैमिली का पार्ट नहीं माना जाता है। तो यहां पे हो गई कुछ बातें। सेकेंड एक और चीज मैं आपको बता देती हूं, अगर सारे जीन म्यूटेट हो जाते हैं, ठीक है, ऑल दीज जीन्स म्यूटेटेड, तो क्या देखा जाता है, तब देखने को मिलता है दैट इज स्यूडो फ्लावर देखने को मिलता है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सूडो फ्लावर का मतलब होता है कि जो प्लांट्स में लीव्स होती हैं वो खुद को फ्लावर फॉर्म में अरेंज कर लेती हैं, बट लीव्स फ्लावर फॉर्म में अरेंज कर चुकी हैं खुद को, दैट डजंट मीन कि वो फ्लावर बन गई हैं। वो सिर्फ वैसा लाइक अरेंजमेंट होता है कि वो नजर आता है जैसे कि मान लो वो फ्लावर है, ठीक है। तो ये सारी कहानी हो गई नॉर्मल एंड वाइल्ड टाइप की। क्वेश्चन आता है आपकी म्यूटेशन केस से, तो जरा सा देख लेते हैं म्यूटेशन केस, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग केस होगा ये, ठीक है। म्यूटेशन केस देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वाइल्ड टाइप प्लांट का क्या केस है, WT, ठीक है। तो हमने देखा पहले रोल में दैट इज सेपल बनता है, ठीक है। सेकेंड रोल में क्या देखा हमने, पेटल्स बनता है। थर्ड रोल में स्टेमन, एंड फोर्थ रोल में क्या बनता है, दैट इज कार्पल बनता है। बात करिए जीन्स की, तो हमें ये भी पता है कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज ये बनता है क्लास ए जीन की वजह से, ये बनता है दैट इज ए प्लस बी की वजह से, ये बनता है दैट इज बी प्लस सी की वजह से, एंड लास्ट वाला बनता है सी की वजह से। सारी जीन्स आप ऑलरेडी देख चुकी हो डिटेल में भी कि कौन कौन से जीन्स काम करते हैं, तो बार बार उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब बात करते हैं पहले म्यूटेशन केस के बारे में। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन म्यूटेट हो गया है, म्यूटेटेड ए, ठीक है। क्लास ए जीन का म्यूटेशन हो गया है, अब क्या होगा, तो देखते हैं क्या हो सकता है। आप खुद यहाँ पे देखकर बता सकते हैं कि फर्स्ट रोल में क्या बनेगा, क्लास ए जीन म्यूटेट हो गया है, तो फर्स्ट रोल में कौन एक्सप्रेस करेगा, क्या ए एक्सप्रेस करेगा, आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि जहां पर ए नहीं रहेगा वहां पे चला आएगा सी, तो पहले रोल में ही क्लास सी जीन एक्सप्रेस करेगा और ये क्या बना देगा, अकेला सी जब एक्सप्रेस होता है तो क्या बनता है, दैट इज कार्पल बनता है। तो ऐसे प्लांट्स में जिसका ए क्लास जीन में म्यूटेशन हो गया उसके पहले ही रोल में कार्पल बनेगा। सेकेंड रोल में क्या बन रहा था, सेकेंड रोल में पेटल्स बन रहा था, किसकी वजह से, ए प्लस बी की वजह से, लेकिन ए तो म्यूटेट हो गया है, तो अभी हमने कहा जहां ए नहीं रहेगा वहां पे सी चलाएगा, तो सी प्लस बी एक्सप्रेस कर जाएंगे। सी प्लस बी एक्सप्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं सी प्लस बी का कॉम्बिनेशन स्टेमन बनाता है, तो सेकेंड रोल में यहाँ स्टेमन बन जाएगा। थर्ड रोल में कौन एक्सप्रेस करेगा, दैट इज थर्ड रोल तो एकदम नॉर्मल रहेगा, दैट इज बी प्लस सी एज इट इज एक्सप्रेस करेंगे जो कि स्टेमन बनाएंगे, एंड फोर्थ रोल में भी कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि फोर्थ रोल में ए एक्सप्रेस ही नहीं करता है, तो यहाँ अकेला सी एक्सप्रेस करेगा, यहाँ कार्पल बनाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि इसका फिनोटाइप क्या होगा, ठीक है, फिनोटाइप क्या है इसका, इस म्यूटेंट का फिनोटाइप क्या होगा, तो इसका आंसर क्या मिलेगा कि इस म्यूटेंट का फिनोटाइप हो जाएगा दैट इज दी कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल। और अगर मैं बात करूं कि कौन सा एरिया अफेक्टेड है, ठीक है, अफेक्टेड पार्ट, इस प्लांट में कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, तो आंसर क्या होगा, जो नहीं बना है वो यहां पे अफेक्टेड होगा। जैसे कि यहां क्या नहीं बना है, यहां बना नहीं है, दैट इज दी सेपल एंड पेटल। तो देखना है आपको कि क्वेश्चन क्या फिनोटाइप पे पूछा है या अफेक्टेड पार्ट पे पूछा है, दोनों में से किसी भी पार्ट पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसा प्लांट जिसमें क्लास ए म्यूटेशन हो जाए उसमें सिर्फ कार्पल एंड स्टेमन नजर आएंगे आपको चारों रोल्स में, सेपल एंड पेटल का डेवलपमेंट वहां पे नहीं देखा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दैट इज सेकेंड म्यूटेशन के केस पे, दैट इज अगर मान लीजिए क्लास बी जीन का म्यूटेशन हो गया, ठीक है, म्यूटेशन इन बी, क्लास बी जीन में म्यूटेशन हो गया, तो अब क्या होगा, तो आपको ये पता है कि पहले रोल में क्या बनेगा, पहले रोल में दैट इज कौन एक्सप्रेस करेगा, ए क्लोता एक्सप्रेस करेगा क्योंकि पहले रोल में तो बी प्रेजेंट ही नहीं है, अकेला ए एक्सप्रेस करेगा तो नॉर्मल सेपल बनेगा, ठीक है। सेकेंड रोल में देखिए, सेकेंड रोल में जो है सी प्लस बी दोनों, सॉरी सेकेंड रोल में यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइल्ड टाइप से कंपेयर करना है आपको, ए प्लस बी दोनों एक्सप्रेस कर रहे थे लेकिन यहाँ तो बी एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो यहाँ पे अकेला ए एक्सप्रेस कर जाएगा और ये बना देगा सेपल जैसा ऊपर वाले में बना रहा था। थर्ड रोल में क्या होगा, थर्ड रोल में बी प्लस सी एक्सप्रेस कर रहे थे लेकिन अब बी प्लस सी तो एक्सप्रेस कर नहीं सकते क्योंकि बी का म्यूटेशन हो रखा है, तो सी अकेला एक्सप्रेस करेगा, ये बना देगा कार्पल, एंड फोर्थ का वही केस है कि सी यहाँ एक्सप्रेस करता है, यहां बना देगा कार्पल। तो इस म्यूटेंट का फिनोटाइप क्या होगा, इस म्यूटेंट का फिनोटाइप हो जाएगा दैट इज दी सेपल सेपल कार्पल कार्पल, राइट। और अगर हम बात करते हैं दैट इज अफेक्टेड एरिया के बारे में कि अफेक्टेड पार्ट कौन सा है, तो अफेक्टेड पार्ट यहाँ कौन सा हो जाएगा, जो प्रेजेंट नहीं है जो बना नहीं है दैट विल बी द अफेक्टेड पार्ट, जैसे कि हो गया इसमें कार्पल एंड स्टेमन, यानी फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन बनेगा ही नहीं अगर प्लांट में क्लास बी में म्यूटेशन हुआ है तो,
ठीक है। अब बात करते हैं क्लास सी म्यूटेशन का, दैट इज म्यूटेशन इन सी। ठीक है, सी क्लास जीन में म्यूटेशन हो गया तब क्या देखने को मिलेगा, तो देखते हैं पहले रोल में क्या सी एक्सप्रेस कर रहा है। पहले रोल में तो सी एक्सप्रेस कर ही नहीं रहा है, तो पहला रोल तो एकदम नॉर्मल रहेगा और इकलौता यहाँ पे ए एक्सप्रेस करता रहेगा और ये बन जाएगा सेपल। ठीक है, सेकेंड रोल में भी सी नहीं था तो यहाँ भी अब कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ए प्लस बी यहाँ एक्सप्रेस होंगे और ये बना देंगे दैट इज पेटल। थर्ड में गड़बड़ होगा क्योंकि थर्ड में बी प्लस सी एक्सप्रेस कर देते हैं और आपको पता है जहां सी एक्सप्रेस नहीं करेगा वहां आकर ए करेगा, तो यहाँ पे कौन एक्सप्रेस कर जाएगा, बी प्लस ए, और ये क्या बना देंगे दैट इज ये बना देंगे ऊपर वाली लेयर जैसा ही, दैट इज दी पेटल्स। एंड फोर्थ में सी एक्सप्रेस करा था लेकिन यहाँ पे सी तो एक्सप्रेस करेगा ही नहीं क्योंकि म्यूटेट हो रहा था, म्यूटेट हो चुका है, तो उसकी जगह पर आकर ए एक्सप्रेस कर जाएगा और यहाँ बन जाएगा दैट इज दी सेपल। ठीक है, इसका फिनोटाइप क्या बनेगा, फिनोटाइप बन जाएगा इसका म्यूटेंट फिनोटाइप। ओके, मेक श्योर दीज ऑल आर दी म्यूटेंट फिनोटाइप, नॉर्मल फिनोटाइप नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फिनोटाइप ये रहा। ठीक है, ये सब म्यूटेंट फिनोटाइप है, ये बनेगा दैट इज दी सेपल पेटल पेटल सेपल। ठीक है, और इफेक्टेड पोर्शन की अगर मैं बात करूं कि कौन सा पार्ट इफेक्टेड हो जाएगा, तो इफेक्टेड पार्ट में आपका चला आएगा दैट इज जो चीज नहीं बनी वो चली आएगी इफेक्टेड पार्ट में, जैसे कि हो गया यहाँ पे योर स्टेमन एंड कार्पल। ठीक है, इस ढंग से हमने देख लिया कि आपका बन गया दैट इज योर सेपल पेटल स्टेमन एंड कार्पल का यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। फाइन, तो इस ढंग से हमने कर लिया कि म्यूटेशन केस क्या क्या हो सकता है, और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, आई थिंक आई हैव डन, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जो फिनोटाइप है ये रहा और यहाँ पे जो चीजें एबसेंट हो गई है, ओके, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, लेट मी रेज दिस। अफेक्टेड पार्ट यहाँ पे जो है सेपल एंड कार्पल तो बना है, यानी अफेक्टेड पार्ट कौन सा है, दैट इज पेटल एंड स्टेमन। ठीक है, यानी यहाँ पे दैट इज मेल पोर्शन नहीं बनेगा एंड पेटल्स नहीं बनेगा, कलरफुल पार्ट नहीं बनेगा एंड स्टेमन नहीं बनेगा, और यहाँ पे जो है दैट इज स्टेमन एंड कार्पल नहीं बनेगा। यानी हम कह सकते हैं क्लास सी में जब म्यूटेशन हो रहा है तब मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक साथ सफर हो रहे हैं। मैंने पहले बी सेक्शन में गलत बोल दिया था, अपॉलॉजी फॉर दैट, आई हैव करेक्टेड दिस पोर्शन। तो इस बात का आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो चीजें एबसेंट है वो यहाँ पे मेंशन करनी है अफेक्टेड पार्ट में। ठीक है, तो अगर क्लास सी जीन में म्यूटेशन रहेगा तब यहाँ पे कार्पल एंड स्टेमन नहीं बनेगा। तो ये हो गई सारी की सारी म्यूटेशन केसेस, बस इतना ही है आपका एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग, इससे ज्यादा नहीं है, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। बस एक बात का याद रखना है, दो फंडा कि ए एंड सी में म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को इनहिबिट करेंगे, और सेकेंड क्या है कि बी अकेला एक्सप्रेस करेगा नहीं, या तो उसको सी चाहिए या तो उसको ए चाहिए। ये दो कंडीशन अगर आपको याद रहेगा तो आप इजीली सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं दैट इज दी ABCDE मॉडल के बारे में, जिसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है दिस इज अ एक्स्ट्रा पोर्शन, इसलिए क्योंकि पता नहीं एग्जाम में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट ठीक है पढ़ के रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, छोटा छोटा सा पोर्शन है, बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको ए क्लास के बारे में ऑलरेडी पता है, राइट, आपको ए बी सी तीनों क्लास के बारे में अच्छे से पता है, डीई बस मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो आपको ये पता है कि ए अकेला एक्सप्रेस करेगा तो वो सेपल बनाता है, ए और बी दोनों साथ में एक्सप्रेस करते हैं तो ये पेटल्स बनाते हैं, कंबाइंड बी एंड सी एक्सप्रेस करते हैं तो स्टेमन बनता है, अकेला सी एक्सप्रेस करता है तो कार्पल बनता है। इसी ढंग से सिमिलरली डी जीन जो है ये कंट्रोल करता है ओव्यूल के डेवलपमेंट को। ठीक है, और ई जीन क्या करता है, ए बी सी एंड डी ई सभी डी से भी दैट इज इंट्रैक्ट करता है। अगर मैं बात करूं डी कैसे एक्सप्रेस करता है तो दैट इज सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेस करने के बाद ये बनाता है दैट इज ओव्यूल। और अगर ई की बात की जाए तो ई सबके साथ एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ए के साथ ई भी एक्सप्रेस कर रहा होता है, ए बी के साथ भी ई एक्सप्रेस कर रहा होता है, मतलब ए से लेकर डी तक सभी के साथ एक्सप्रेस करता है ई, और ये बाकी सबके फंक्शनिंग को कंट्रोल इस ढंग से करता है। तो ये था ए बी सी डी ई मॉडल के बारे में, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन कवर करवा के रख दिया कि इन केस कभी अगर जरूरत पड़ जाए आपको, तो आपको ये ना लगे कि आपको ये चीज पता ही नहीं है, ऐसा ना लगे कि कभी सुना नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको छोटा सा करके एक बार यहाँ पे वापस से लिख दूं
तो हमने जो पढ़ा है ना वो एग्जैक्ट पढ़ा है, यहाँ पे आप बोल सकते हो थोड़ा सा और ऐड हो गया है। तो ए प्लस ई क्या बना देगा, ए प्लस ई। ये ए प्लस ई का कंसेप्ट आपको तभी लगाना है जब क्वेश्चन में ये बोला हो कि ए बी सी डी ई मॉडल। अगर सिर्फ ए बी सी मॉडल बोला है तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ा है सिर्फ आपको उतना पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ए प्लस ई क्या बनाएगा, दैट इज सेपल बनाएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस ई ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा दैट इज पेटल्स। फिर आता है थर्ड रोल में बी प्लस सी प्लस ई, ये क्या बनाएगा, दैट इज स्टेमन बनाएगा। सी प्लस ई क्या बना रहा था, दैट इज कार्पल बना रहा था। ये तो हो गया चार रोल, ठीक है। इसके अलावा जो इनर मोस्ट पोर्शन होता है वहां पे ओव्यूल भी बनेगा। तो सी प्लस डी प्लस ई ये क्या बनाएगा, दैट इज ओव्यूल बनाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पहले रोल की कहानी, ये रही सेकेंड, ये रही थर्ड, ये रही फोर्थ। तो ई देख रहे हैं आप, ई का रोल हर एक दैट इज रोल के साथ होता है, मतलब लेयर के साथ होता है, इसलिए इसका फंक्शन जो है हम सबके साथ ओवरलैपिंग मानते हैं। और इस ढंग से हमने देख लिया कि ए बी सी डी ई मॉडल किस ढंग से डील करता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये पर्टिकुलर पोर्शन आपके लिए आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आसानी से आपको नंबर देके चले जाते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।